जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ, जिसमें कि आप में से अक्सर लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि भाई ये डॉग भौंकते क्यों हैं, हमारे पीछे क्यों भागते हैं। देखिए मेरे पास भी कुछ खड़े हैं हमारे वॉइसलेस फ्रेंड्स, ये देखिए ये सब बेचारे बेचैन हैं, आपको भौंकने की आवाज़ें आ रही होंगी। तो दोस्तों इसका मेन मुद्दा ये है कि सड़क पर घूमने वाले कुछ शराब के नशे में टुल लोग या नशेड़ी, ये कह सकते हो आप। अभी अभी कुछ समय पहले की बात है कि यहाँ से लोग अभी जा रहे हैं बाइकों में, अभी छत से देख रहा था तो बाइकों से निकलते हैं, उन्होंने पहले तो डॉग्स पे लाते वाते बजाई, फिर पता नहीं किस बात पे आपस में खुद ही भिड़ गए और वो सामने चेयर वगैरह उठा के फेंकी हुई है। और मतलब डॉग्स भी ये देख के हैरान थे कि कुत्ते हम हैं या फिर कुत्ते ये हैं। तो दोस्तों कहने वाली यही बात है कि ये ड्रिंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान ये भूल जाता है कि हम मतलब इंसान हैं या हम जानवर हैं, और फिर उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि जानवर भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा, जानवर तो भौंकेगा। तो दोस्तों कहने का विषय यही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं कि कुत्ता सोचने पे मजबूर हो जाए कि इंसान कुत्ते हम हैं या कुत्ते ये हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों को मैं सतर्क करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सुधर जाइए, आपकी हरकतें भी अच्छी नहीं हैं। और हमारे एरिया के ही कुछ लोग हैं ऐसे जो कि कुत्तों से भी बदतर व्यवहार कर रहे हैं आजकल। और सबसे बड़ी बात है कि दारू के नशे में इतना टुल होते हैं रात के टाइम, उनको ये पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो शादीशुदा हो आप लोग, अपने अपने घर जाओ, अपना काम धंधा करो, ये फालतू की मतलब हरकतें करके क्या फ़ायदा। तो दोस्तों बस कहने का यही मतलब है कि इज्जत से रहो, इज्जत से रहने दो, और फिर बार बार नहीं तो फिर आप ही कंप्लेन करने आओगे कि भैया कुत्ते हमारे पीछे भाग क्यों रहे हैं, भैया कुत्ते हम ये क्यों करते हैं, कुत्ते वो क्यों करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि आपकी हरकतें कुत्तों जैसी हैं। तो दोस्तों सुधरो, इंसान बनो, और नशे में इतना भी ना टुल हो जाओ कि भाई पता ही ना चले आपको कि आप हरकतें क्या कर रहे हो। इसी भावना के साथ दोस्तों जय श्री राम।